हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर पर ब्रेड क्रम्ब को हम कैसे बना सकते हैं। आप इस ब्रेड क्रम्ब को बनाकर स्टोर करके रख सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ब्रेड क्रम्ब बनाने के लिए हमने लिए हैं 4 स्लाइस ब्रेड के। अब हम सबसे पहले एक तवा लेंगे और उसको गैस पर रख देंगे। तवे को थोड़ा गर्म करने के बाद अब हम इस पर ब्रेड स्लाइस रखेंगे और इनको लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हमें ब्रेड को दोनों तरफ से ड्राई रोस्ट करना है, उसके लिए आप फ्लेम को बिल्कुल लो रखें। ब्रेड को आप जितना ड्राई रोस्ट करेंगे आपका ब्रेड क्रम्ब उतना ही अच्छा बनेगा। आप इस ब्रेड क्रम्ब को बनाकर स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। हमारी ब्रेड एक साइड से रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसको पलट देंगे और दूसरी साइड से भी रोस्ट कर लेंगे। ब्रेड को दोनों साइड से बहुत अच्छे से रोस्ट करना है। हमारी ब्रेड दोनों साइड से रोस्ट हो चुकी है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। अभी हम ब्रेड को थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे। हमारी ब्रेड ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देंगे। ये देखिए, हमने ब्रेड को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अब हम इसको डालेंगे मिक्सी के जार में। ब्रेड को मिक्सी के जार में डालने के बाद हम इसे पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ब्रेड जो है वो पिस चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। हमारा ब्रेड क्रम्ब देखिए बनकर रेडी हो चुका है। आप हमारे इस ब्रेड क्रम्ब की रेसिपी को ट्राई करें। यह एकदम फ्रेश ब्रेड क्रम्ब है, आप इसे अपने घर पर बनाएं और हमें कमेंट में बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे नए वीडियो के अपडेट आप तक पहुंचते रहें। इसी के साथ आप सभी को हमारी राधे राधे।